प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए। उनके आवास पर ये तस्वीरें आपके सामने। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्मदिन है आज, और लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह आज भी उनके घर पर पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहले से मौजूद। तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी नजर आ रही हैं, प्रतिभा आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलदस्ता लाल कृष्ण आडवाणी को भेंट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी का 96वां जन्मदिन आज, और उनके आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा घर गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देने के लिए। बेहद खास ये तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आडवाणी जी 95 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और लालकृष्ण आडवाणी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में एक बड़ा योगदान रहा है। इस वजह से, और वैसे भी बीजेपी के पितृपुरुष माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी। बीजेपी की स्थापना के समय वो फाउंडर मेंबर थे और बीजेपी को 2 सीटों से लेकर और उसके बाद 193 सीटों तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का योगदान महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी का कई बार उल्लेख कर चुके हैं और यही वजह है कि पार्टी के सर्वोच्च वरिष्ठ नेता के तौर पर उनको जन्मदिन पर बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष जाते हैं। आज भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनके साथ। वहां पर आपको पीले कुर्ते में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी दिखाई दे रहे हैं। जो घर है उनका लालकृष्ण आडवाणी का, उसी के पिछले हिस्से में जहां गार्डन है वहां पर बैठकर उन्होंने और गपशप की। लंबे समय बाद लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में एक बड़ा तोहफे की तरह। बिल्कुल, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह भरेंगी यकीनन ये तस्वीरें। बेहद अहम हो जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, आपके शब्दों में अगर मैं कहूं विकास, की बीजेपी के पितृपुरुष और उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनके आवास पर उनको बधाई देने के लिए। राजनीतिक गुरु के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी की एक पहचान नरेंद्र मोदी के लिए जो हमेशा रही, जिसका कई मौके पर खुद नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र भी किया गया, और जिस बात का जिक्र विकास आप कर रहे थे कि साहब बीजेपी के वो कद्दावर नेता जो 2 सीटों से पार्टी को इस बड़े मकाम तक लेकर पहुंचे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी का योगदान, और ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा जिसने बीजेपी के इस ग्राफ को देशभर में बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, उस रथ यात्रा के सूत्रधार में अहम रहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तब एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए समर्पित थे। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। देखिए, जब बीजेपी 2 सीटें 1984 में जीत पाई थी और ऐसा लग रहा था कि जनसंघ के बाद बीजेपी की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी शायद वो उद्देश्य पूरा होना बड़ा मुश्किल है। और उसी समय आपको याद होगा 1989 का वर्ष था जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर देश जो है वो जाति आधार पर बढ़ रहा था। उसी वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की, शिला पूजन शुरू हुए थे और उस रथ यात्रा में मंडल पर कमंडल भारी पड़ा और जो देश जो है वो जातीय आधार पर बटना शुरू हुआ था वो एक बार फिर से एकजुट होना शुरू हुआ। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला और बीजेपी अगले चुनाव में जो है वो जबरदस्त सफलता के साथ 100 सीटों का आसपास पहुंच गई थी। और आपको पता है कि लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद से जो बूस्ट मिला बीजेपी की राजनीति को, बीजेपी को जो स्वीकारता मिली उत्तर भारत में, उसने एक बड़ा योगदान दिया। और आज जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार है, दूसरी बार जब उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उसके लिए जो बूस्ट था, जो लॉन्च पैड था, वो लालकृष्ण आडवाणी ने तैयार किया था रथ यात्रा के तौर पर। और उस रथ यात्रा में सारथी, यानी कि सारथी के तौर पर खुद नरेंद्र मोदी ने
लालकृष्ण आडवाणी के साथ पूरे देश की यात्रा की थी। तो ये जो यात्रा थी जी, वो न केवल लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी इस यात्रा से राजनीति के गुर सीखे लालकृष्ण आडवाणी से। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बन गए 2002 के दंगों की बात आई, उस वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी कवच की तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।